ब्रेक के बाद का स्वागत है। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में ग्राहक मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में ग्राहक मेले का समापन शुक्रवार को हो जाएगा। इसमें केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट अफेयर राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। दो दिवसीय इस मेले का शुभारंभ 3 तारीख को हो गया था। 4 तारीख को समापन पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर शिरकत करेंगे। इस मेले का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों तक पहुंचना है और बैंकों में ग्राहकों को हो रही असुविधाओं और उनके प्रश्नों का निपटारा करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक सुनील चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में 250 जिलों में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं हिमाचल में ये कार्यक्रम 5 स्थानों पर आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि सोलन में बेहद तैयारी के साथ ये मेला आयोजित किया जा रहा है ताकि ग्राहकों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि विभिन्न बैंकों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और ये ग्राहक के ऊपर निर्भर है कि वे किस बैंक से लोन लेना चाहता है और उसी की मर्जी से कुछ ही घंटों में वे उन्हें लोन भी पास कर दिया जाएगा। मैं सुनील चौधरी, रीजनल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सोलन हूँ। मिनिस्ट्री DFS मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस के मुताबिक पूरे देश में 400 डिस्ट्रिक्ट्स में कस्टमर आउटरीच इनिशिएटिव शुरू किया गया है। पहले फेज में 250 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है और हिमाचल में ये प्रोग्राम 5 जगह हो रहा है, जिसमें 2 जगह सोलन और शिमला में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। और सोलन में हम जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारे साथ 22 बैंक और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थोडो ग्राउंड में ये प्रोग्राम हो रहा है और हमारा मकसद इस कस्टमर आउटरीच इनिशिएटिव के माध्यम से ग्राहकों को एक जगह ज़्यादा सारी सुविधाओं के बारे में डिफरेंट विभिन्न बैंकों के द्वारा जो दी जाती हैं उनके बारे में जानकारी देना है। और इसके साथ साथ किसी भी बैंक के पास या हमारे पास कोई भी डिमांड किसी कस्टमर की आती है तो हम उसी दिन जल्दी से जल्दी उस लोन का डिस्पोजल कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स के लिए अलग से स्टॉल लगा रखा है। हमने देश में, जैसा कि हम जानते हैं कि व्यापार को बढ़ावा देना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है आज के दिन की, उसके अंतर्गत हमने एक MSME का स्टॉल लगाया हुआ है जहां पे हम कॉन्टैक्टलेस लेंडिंग प्लेटफॉर्म, जिसको हम CLP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसका भी हम लोगों को डेमोंस्ट्रेशन दे रहे हैं। इसमें कोई भी व्यापारी 1 लाख से लेकर 5 करोड़ तक अपना लोन जो है वो अप्लाई कर सकता है और अपने खुद से किसी भी बैंक को अपनी सुविधा मुताबिक चूज कर सकता है। और इसका डिस्पोजल जो है वो 59 मिनट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश द्वारा सारे बैंकों द्वारा कर दिया जाता है। इस इनिशिएटिव से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ग्राहकों ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुँचे, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है और हम सारे लोगों की एस्पिरेशंस को जानते हैं कि हर कोई इस फेस्टिव सीजन में मोबाइल फ़ोन, कार, कोई लड़का स्कूल गोइंग है तो वो स्कूटी या बाइक लेना चाहता है। और अगर सारे के सारे बैंक एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ये सब सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये ग्राहकों के लिए विन-विन सिचुएशन है। वो किसी भी बैंक में किसी भी बैंक को अप्रोच करके विभिन्न बैंकों की तुलना करके जो बेस्ट प्रोडक्ट है उसको ले सकते हैं। हमारे पास अभी तक 2-3 हज़ार लोगों ने, ग्राहकों ने हमें संपर्क किया है और अभी आधा ही दिन हुआ है, तो हम, क्योंकि आज धूप काफ़ी है ग्राउंड में, तो हमें ये लग रहा है शाम तक जो है ये संख्या जो है 7-8 हज़ार ग्राहकों के आने की संभावना है इसमें, और इंक्वायरीज रेज होने की संभावना है। और कल, क्योंकि हमारे वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं, उनके साथ हमारे CGM चीफ जनरल मैनेजर राणा आशुतोष कुमार सिंह भी आएंगे, तो हमें आशा है कि कल 10-15 हज़ार लोग आएंगे। और ये इनका समय अभी 12:30 से 1 बजे के बीच में पहुंचना तय हुआ है और हमारी कोशिश है कि जितने भी ग्राहक आज और कल में आएंगे उनके लोन हम ऑन द स्पॉट सेंक्शन करें।